धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में है। आज हमारे साथ हिमाली पानवाला, जो एक आर्टिस्ट है और म्यूज़िक, एक्टर्स, डांसिंग सभी में बहुत कुछ उन्होंने किया है। इनकी लाइफ जर्नी हम जानेंगे आज, और एक्सक्लूसिव जो है वो एक बांसुरी भी बजाती है। ऐसी एक महिला जो बांसुरी बजाते हुए दिखती है हमेशा अपने सोशल मीडिया पे, तो ऐसी हिमाली पानवाला आपका स्वागत करती हूँ। और टीकू साल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से मैं आपका सम्मान और स्वागत दिल से करती हूँ। तो हिमाली पानवाला वैसे सूरत से ही है, मेरे ख्याल से आप सूरत से ही है। जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। जन्म और मुंबई में हुआ है, बड़ी भी वहीं पे हुई, शादी यहाँ पे हुई है सूरत में। जी जी जी, ऑफकोर्स अभी सूरती हो गई हूँ। वाह वाह, क्या बात है। तो आज हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी एज अ, वो एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट की लाइफ जर्नी जानने के लिए सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो आर्टिस्ट कैसे बने, और जिस तरह की उनकी लाइफ जर्नी हम जानेंगे आज, तो आप सभी को पता चलेगा कि हिमाली पानवाला जो है वो म्यूज़िक में भी बहुत माहिर है, एक्ट्रेस भी है, डांस भी बहुत अच्छा करती है, और साथ साथ में बांसुरी तो अफलातून, मतलब आहा, अगर उनकी बांसुरी हम सुन लेते हैं, बांसुरी बजाते हुए, तो हम कहीं खो जाते हैं। ऐसी ये हिमाली जी हमारे साथ है। तो हिमाली जी, हम जानना चाहेंगे कि आप आर्टिस्ट बनी है, लेकिन आपकी जो लाइफ जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, और ये जो आप बांसुरी बजाती है वो आपने कहाँ सीखा, और किस तरह से आपको इनका भी ये शौक़ हुआ कि मुझे बांसुरी बजाना है। जी ज़रूर जी, मैं मुंबई से हूँ, यहाँ शादी हुई तो मुंबई का माहौल और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। मुंबई में भी पहले जॉब करती थी और वहाँ की लाइफ बहुत एक्टिव होती है। यहाँ पर आके बेटी हुई और फिर इन लॉज मेरे, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, लेट्स डू अ जॉब। मैं एक छोटी सी स्कूल में, मतलब प्री प्राइमरी की जॉब मैंने सिलेक्ट की, ताकि मैं घर पे भी ध्यान रख सकूँ और बच्चों के साथ भी रह सकूँ। एंड स्कूल में जॉब करना शुरू किया, उसी स्कूल में मेरी बेटी ने एडमिशन भी लिया, और बेटी की जो म्यूज़िक टीचर थी उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा गाती है तो तुम्हें उसको म्यूज़िक सिखाना चाहिए। मैंने बोला भाई, म्यूज़िक में मुझे तो कुछ नहीं आता, आप म्यूज़िक टीचर हो, आप ही शुरू कर दो, आप क्लासेस उसके लेने शुरू कर दो। एंड बेटी ने म्यूज़िक, मतलब ज्वाइन कर दिया, क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। वो घर पे आके मुझे सारा सुना देती, मम्मा आज ये कराया, वो कराया। एंड मुझे भी खुद को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज अभी मैं अगर रिकलेक्ट करूँ मेरी बचपन की मेमोरीज़ को, तो आई यूज़ टू लिसन रेडियो, मैं बहुत रेडियो सुनती थी। वो अभी मैं याद करती तो पता चलता है कि शायद वो चीज़ मेरे में भी बचपन से ही थी, लेकिन तभी शायद उन दिनों ऐसा कुछ माहौल, ऐसा सब मिलता नहीं था हमको कि ये क्लास करवाओ, वो क्लास करवाओ। अभी के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट है कि सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है उनको। बिल्कुल सही बात। तो उसी तरह फिर मैंने म्यूज़िक टीचर से पूछा कि मुझे अगर शुरू करना है तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। और मेरी बेटी मुझसे एक साल आगे थी, शी वाज सीनियर इन म्यूज़िक, और मैं उसको पूछ पूछ के एग्ज़ाम भी फिर देनी थी। एंड सीखना शुरू किया, लर्निंग मतलब क्लासिकल वोकल्स सीखना शुरू किया, साथ में हारमोनियम भी सीखना शुरू किया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई हारमोनियम बहुत ज़रूरी होता है अगर आप गाना सीखते हो तो। और उसके बाद बहुत सारे हर्डल्स आए फैमिली में भी, मतलब यू नो कि जॉइंट फैमिली थी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। माय इन-लॉज, मेरे इन-लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर बात पे कि नहीं करो, कुछ भी करो। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि ये एग्ज़ाम देनी है। मैं, हमारी जब एग्ज़ाम मेरी होती थी तो मेरे ससुर जी खुद आके दूध दे के जाते थे। फिर क्या बात है, हाँ, आई नो, मतलब सब उल्टा। मैंने अभी एक इंटरव्यू में यही कहा था कि एवरी, मतलब कि महिलाओं की जो इच्छाएं होती है, काफ़ी सारे ऐसी महिलाओं की काफ़ी इच्छाएं शादी के बाद ना ख़त्म हो जाती है। मैंने ऐसा
अभी के ही एक इंटरव्यू में मैंने ऐसी बात की थी और आज इनका पूरा उल्टा ही हो रहा है जैसे आपने सुन लिया हो मेरी बात को और आज ये मतलब ऐसी हमारे साथ हेमाली जी है जिनको उल्टा है, मतलब शादी के बाद उन्होंने उनका जो कैरियर था वो पूरा, उनको मतलब जो सपना था वो शादी के बाद उन्होंने पूरा किया, तो ये कुछ डिफरेंट हो रहा है। यस एक्चुअली बहुत, मतलब मैं बहुत बहुत भगवान की यू नो मैं धन्यवाद कहती हूँ भगवान से, क्योंकि मुझे ऐसे लोग आसपास मिले हैं मेरे घर में और मेरे इवन फ्रेंड सर्कल में या मेरे भाई बहन हो, जिन्होंने भी जितने भी आज तक मेरी लाइफ में आए हैं मुझे एनकरेज किया है बस सिर्फ। और मेरे ससुर मुझे दूध लेके जाते थे, खाना देके जाते थे, मम्मी सब अरे तू तू पढ़ बस, तू तेरे एग्जाम की तैयारी कर। एंड इवन हस्बैंड कोई कभी कोई डिमांड नहीं कि ये चाहिए, ये खाना होना चाहिए, ये मुझे गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, कुछ नहीं। आज तक इवन टुडे, अभी तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा, बट कभी भी उनकी तरफ से कभी मुझे कोई चीज़ की ना नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है, बस यू जस्ट डू योर वर्क। जर्नी शुरू हुई, फिर सीखती गई, मुझे आज भी सीखने का बहुत शौक है। मैं मानती हूँ कि हम जितना सीखते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाता। शौक से जो चीज़ मैंने शुरू की थी वो मेरे करियर में कब कन्वर्ट हो गई मुझे नहीं पता चला। एज प्री प्राइमरी की जॉब करते करते साथ में मैं म्यूज़िक सीखती थी और फिर साथ में सिखाने भी लगी लोअर किड्स को, यानी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को प्रिंसिपल ने ही कहा कि नहीं आप म्यूज़िक में इतना जानते हो, डांस में इतना जानते हो, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ की हेड थी मैं जी, सारे एनुअल फंक्शंस में करवाना एंड ऑल दैट। अनुभव मिलता गया और बस सीखने का आज तक नहीं छोड़ा है। आज भी मुझे अगर 5 मिनट का टाइम मिलता है तो कुछ यूट्यूब में देख लेती हूँ या यू नो अभी तो फैसिलिटीज़ हमको इतनी मिली है, वी आर सो फॉर्चुनेट विद दिस टेक्नोलॉजी कि उसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सो सीखती गई, बहुत हर्डल्स आए, मुश्किली 2-3 बार एक्सीडेंट्स हुए, फिर ब्रेक हुआ कि नहीं होगा, बेड रेस्ट करना पड़ा था और बाकी हेल्थ के इश्यूज एंड, लेकिन ये छोड़ा नहीं मैंने, सीखना नहीं छोड़ा। मैं मानती हूँ कि जो नारी में हम ये एपिसोड स्पेशली अगर वुमन को उसके लिए हम कर रहे हैं तो बहुत शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो चाहे वो कर सकती है, दैट इज़ द फैक्ट कि एक भी कोई कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। हाँ अगर करना है तो राह अपने आप निकल जाती है, मुझे ये चाहिए, मतलब ये यूनिवर्स को पता चल जाता है कि अच्छा ये इसको चाहिए तो इसके लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा, लेकिन वो चाहत इतनी डेप्थ में होनी चाहिए कि नहीं इसको तो मुझे देना ही पड़ेगा ये जो चाहिए वो। जी तो हिमालय जी, आपने जिस तरह से मतलब एक्ट्रेस भी रही है, आपने काफ़ी कुछ ड्रामा में भी काम किया है, काफ़ी कुछ शायद फिल्म भी की है, सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में एक एपिसोड में काम जी है। तो काफ़ी सारे मतलब सीरियल्स भी आपने किए हैं और जिस तरह से डांसिंग में भी बहुत आगे है आप, और म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं, म्यूज़िक और ये बांसुरी बजाना दो बहुत मतलब कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ रहा है, क्योंकि इससे ही आप काफ़ी कुछ आगे आगे आई है। करेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ आपके दो लाइन गाने की सुनाई है, उसके बाद बांसुरी भी हम सुनेंगे, बट आप जब गाना भी अच्छा गाती है तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो उसकी दो लाइन सुनाइए। फेवरेट तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आज की सिचुएशन में हम देखते हैं तो एक ही चीज़ आती है, प्रार्थना कि भाई बस अभी बहुत हो चुका, बहुत जाने गई और बहुत सारा हो गया, तो बस एक थोड़ी सी दो लाइन प्रार्थना की जरूर जरूर सुनाइए। जो भी है, हम जितने भी वैक्सीनेशन लगा दें या निकालें, जितना भी साइंस आगे है, लेकिन सुपर पावर ऊपर है, उसके आगे हमारा कुछ नहीं चलता, नहीं चलता, तो वही सुपर पावर को प्रेयर है। जी 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 जरूर सुनाइए। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका कर सर, खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले।
तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है, तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सबको ज़रूरत है इस, मतलब कि हम बस प्रे करें सबके लिए कि जो भी लोग जैसे ही गुज़र रहे हैं, जिस माहौल से गुज़र रहे हैं, उनका सभी का अच्छा हो, ये हम ये प्रे के द्वारा हम बोल सकते हैं। तो हिमालय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आपने गाना तो अच्छा ही गाया, मतलब प्रे किया हमने सबके लिए, बहुत अच्छी बात थी। इस शो के द्वारा हमने काफ़ी कुछ कह दिया है लाइव जर्नी आपकी शेयर की, बट जो मेन आपका आपकी आइडेंटिटी है बांसुरी, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे, दर्शक मित्र ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं वो मुझे बता रहे कि हाँ हम सुनना चाहेंगे, तो ज़रूर आप हमारी बांसुरी भी सुना दीजिए थोड़ी। बट पहले वो आपने सीखा कहाँ और किस तरह से, मतलब ये कितने सालों से आप बजा रहे हैं बांसुरी? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसको वो आया एक दिन कि आंटी बांसुरी सीखनी है मुझे, तो तभी मेरे कान भी ऊंचे हो गए कि हाँ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। कभी किसी महिला को देखा नहीं था जब तक मैंने, मतलब शुरू किया था तब तक मैंने कभी मैंने नहीं देखा था कि अच्छा बांसुरी मतलब इट इज़ जस्ट पुरुष ही बजा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बांसुरी में सैक्सोफोन में बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, पूरी सांसों की लेन देन होती है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है उसमें। बस उस दिन मैं और वो दोनों गए कि चलो लेट्स इंक्वायर, इंक्वायरी की वहाँ पे, और शुरू किया। मैंने एक ही महीना सीखा है बांसुरी, बट वो क्लासिकल वोकल का नॉलेज था, तो इसकी वजह से सुर की समझ थी कि अच्छा हाँ ये जो बजाती हूँ सही बजाती हूँ या गलत बजाती हूँ, बट अपने आप फिर एग्ज़ाम देती गई उसमें भी। मुझे एग्ज़ाम्स देने का बहुत अच्छा लगता है, परीक्षा की, अपने आप को मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ, अब पहले यहाँ थी अभी आगे गई हूँ या पीछे हूँ या वहीं की वहीं रुकी हूँ, तो वही चीज़ मुझे धक्का देती है कि नहीं नहीं चलो और बढ़ो और करो। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिलीव मी, मतलब जॉइंट फैमिली था और होता है ना फैमिली में रिस्पॉन्स, हमारे लेडीज को तो बहुत कुछ कि होता है। हाँ सही बात है। नहीं मैं नहीं, मतलब बहुत सारी लेडीज़ को सुना है कि मुझसे नहीं होगा, हमारा तो ये करना होता है ये करना होता है, बट अगर आपको एक्चुअली जो करना होता है तो वो मिल ही जाता है। बिल्कुल, आप अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुड़ जाती है। ये डायलॉग फिल्म का है बट ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कहा है जिन्होंने भी कहा है, इट वर्क्स। बाकी क्या है कि बहाने बहुत मिलते हैं, बहुत बहाने मिल जाते हैं कि आज ये है आज वो है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं, तो दैट मीन्स कि वो जो हमारी इच्छा है वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। उसको अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं कि नहीं ये तो करना है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बाकी की है वो तो करनी है, उससे हम छुटकारा नहीं हमको मिल सकता, कि वो भी एक यू नो इट पार्ट ऑफ द लाइफ है, बट अगर हमारी जो एक पर्सनल इच्छा है कि मुझे ये करना है या वो करना है या मुझे सीखना है या इसमें आगे बढ़ना है, तो आप अगर चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, जाते जाते बांसुरी भी तो थोड़ा सुन लेते हैं हम। बिल्कुल यस, थैंक यू जी, मैं कोशिश करती हूँ जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो हमने सुना था कि कृष्णा ही बांसुरी बजाते हैं, मतलब कृष्णा की बांसुरी सुनना हमने देखा है, बट आप एक मतलब कि एक महिला, कोई वुमन बांसुरी बजाते हुए शायद हम पहली बार दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे इसमें भी मुश्किलें आई सीखने में भी, और फिर आगे शोज बहुत किए, मेडिटेशन के शोज बहुत किए। अब तक का मेरा एक रिकॉर्ड है कि कंटिन्यूस मैंने 55 मिनट्स तक बांसुरी बजाई थी। मेडिटेशन का एक कैंप था जो वर्ल्ड योगा डे और वर्ल्ड ये म्यूजिक डे होता है तभी, और पहले तो फर्स्ट एक बार शो आया तो 21 मिनट का, देयर वाज 21 मिनट तक मुझे कंटिन्यूस बजानी थी। तो मुझे पहले लगा कि कैसे कर पाऊंगी पता नहीं, बिकॉज जस्ट सीख रही थी तभी, आई वाज लगभग 4-5 साल पहले की बात है, सीख भी नहीं रही थी। मैंने जैसे कहा कि 21 साल सीखा है मैंने, बस फिर घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करती रही, बट देन 21 मिनट का हुआ और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट ईयर मुझे कहा गया कि 55 मिनट्स तक आपको, बिकॉज वो कुछ चलने वाला था उनका साथ में योगा का एंड मेडिटेशन का। तो फिर मेरी हिम्मत खुली कि हाँ जब 21 हो रहा है तो 55 भी हो जाएगा, देन कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपसे मिलके है बाली जी, बहुत अच्छा लगा, और बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। और हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, आप हमारे शो में यहाँ पे उपस्थित हुए और आपने बहुत अच्छे आपके बारे में आपकी लाइफ जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है, और जिस तरह से आप एक आर्टिस्ट है, म्यूज़िक में भी आप काफ़ी माहिर है, एक्ट्रेस भी है, डांसिंग में भी माहिर है, और ये दर्शकों ने सुनी आपकी बांसुरी तो काफ़ी सारे फ़ैन भी हो गए होंगे आपके बांसुरी सुन के, उनको भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर अगर आपको बांसुरी सीखना है तो ज़रूर हेमाली जी का कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आप। जी जी जी, तो मिलते हैं वापस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमाली जी, पानवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाते जाते एक बात और एक लाइन में कहना चाहूँगी उनके लिए, सबके लिए कहती हूँ, सब महिलाओं के लिए, कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान, और हमने दिल से आज हेमाली जी का स्वागत और सम्मान किया है हमारे एक शो के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वापस, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड पे, और मिलते हैं वापस। थैंक यू।